स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। चुनावी लंच ब्रेक में आज स्वागत है आपका रामपुर से। हम मौजूद हैं यहां के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने अरोड़ा स्वीट कॉर्नर पे। मुझे बताया गया कि यहां का जो छोला भटूरा है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ख़ासतौर पर रामपुर आपको पता होगा कि जाना जाता है छुरियों के लिए। तो क्या छुरियों जितनी ही तेज़ है यहाँ के चुनावी मिजाज की भी धार, ये हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जाने। लेकिन इस बीच यहाँ के जो ओनर है उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मदन लाल अरोड़ा। मदन लाल जी, कितने साल से आपकी दुकान है? 21 साल से हमारे पास साल है। से आप? हाँ जी, इससे पहले हमारे रिश्तेदारों के पास थी। क्या है आपकी दुकान में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा क्या बिकता है? हमारे यहाँ सब मलाई का लड्डू बिकता है, दूध के मलाई का लड्डू हमें। अरोड़ा जी का मलाई का लड्डू, मलाई का लड्डू, और ये मुंह में जाते ही घुल जाता है। जी, जी, जी। और एक रामपुर का मशहूर है हफ्शी हलवा। हफ्शी हलवा? हाँ जी। ये किस चीज से बनता है? ये दूध और देसी घी का होता है जी, ड्राई फ्रूट होता है पिसा हुआ। अच्छा, ताकत देता है। हाँ जी, ये होता है डोडा बर्फी। डोडा बर्फी, लेकिन ये खासियत है रामपुर। हाँ जी, हाँ जी, ये मशहूर है रामपुर। आपके यहाँ मिलता है? नहीं, रामपुर में मिलता है जी। मिलता है? हाँ जी, हाँ जी। ये बात बताइए, आप तो बहुत साल से यहाँ पर, 21 साल में, 21 साल में रामपुर में क्या बदला है? और बीते 4.5 साल की अगर बात करें रामपुर में सरकार के आने से कुछ फायदा हुआ? हाँ जी, रामपुर में काफी कोई बदला है। जैसे साहब, यहाँ का विकास भी अच्छा हो गया पहले के मुकाबले, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं। हाँ जी, ये तो स्टेशन के ठीक सामने। बिल्कुल सामने। हाँ जी, हाँ जी, स्टेशन का जितनी भीड़ होती होगी आपके यहाँ खाना खाने आती होगी। हाँ जी, हाँ जी। और आपने तो देखा होगा कई सरकारें बदलते हैं। हाँ जी, हम देखिए सरकार में रामपुर से नहीं, काफी फर्क है। जैसे आपने सड़क एक चीज बताई, सड़कें, विकास भी सही है, काम कारोबार सही हो गया पहले के मुकाबले। मुख्य तौर पर मिठाइयाँ, देखिए लाइन से चूज कर पाना थोड़ा मुश्किल लगेगा कि आप कौन सी मिठाई खाएं। खैर, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप मैम क्या खा रही हैं? पूरी सब्जी जी। हाँ, क्या नाम है आपका? नेहा राज। नेहा राज जी, आपका और मेरा तो नाम ही कॉमन है। खैर, रामपुर में आप कितने साल से हैं? काफी, जन्म यही हुआ है हमारा। जन्म यही हुआ है। तो ये बताइए कि रामपुर में आपको सबसे अच्छा और सबसे खराब क्या लगता है? सबसे अच्छा खराब यहाँ का खाना? नहीं नहीं, खाना अच्छा है। खाना अच्छा है जी। सड़कें अच्छी हैं जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बढ़िया है जी। रात में रात निकल सकती है जी, अकेले जी, स्कूटी चला सकती है जी, जी, कोई और हमारे आजम कोई छेड़खानी, कुछ नहीं, लूटपाट कुछ नहीं, तरह की कोई दिक्कत कुछ नहीं। हमारे आजम खान साहब ने इतना अच्छा कर रखा है, महिलाओं को रात को कैसे भी जा सकती है, और बहुत विकास कराया है। और विकास के नाम पर क्या हुआ है यहाँ पर? सड़कें हैं, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है, और बहुत विकास करवाए हैं। मैं तो कहती हूँ कोई भी सरकार 7 जन्म भी ले लेगी, ऐसा विकास नहीं करा पाएगी जो आजम खान साहब ने कराया है, जो आजम खान जी ने कराया जी। लेकिन अभी तो फिलहाल वो जेल में है जी, तो वापस अगर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो एक बार फिर से उम्मीद जी जी, जरूर 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 जरूर। आप मैम यही रामपुर से हैं? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम नरगिस खान है। नरगिस जी, तो आप तो अक्सर यहाँ पर आती होंगी खाना खाने जी। मैम, क्या पसंद है यहाँ का? मुझे यहाँ की छोले पूरी बहुत पसंद है। छोले पूरी और जी? भटूरा नहीं, नहीं, छोले पूरी ज्यादा मतलब टेस्टी होता है। ज्यादा टेस्टी जी, जी होता है यहाँ का। और मिठाई में मुझे 4-5 जी जी, मलाई में इसमें मलाई छाप वगैरह है। हफ्शी हलवा सोन है यहाँ का फेमस रामपुर का। हफ्शी हलवा जी जी, हफ्शी हलवा सोन जी जी, ड्राई फ्रूट से बनता है, बहुत यहाँ का फेमस है रामपुर। और क्या अच्छा है अगर रामपुर को देखिए? रामपुर में अब कुछ अच्छा नहीं रहा। अच्छा, पहले हमारा रामपुर जो है एक उद्योग उसके कारखाने के नाम से मतलब जाना जाता था। यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे टाइल्स फैक्ट्री थी, कपड़ा मिल थी, आलू मिल थी, चीनी मिल थी, यहाँ पर गन्ना मिल थी। लेकिन धीरे धीरे राजनीति की भेंट चढ़ता गया रामपुर। यहाँ पे चाकू इतना फेमस था, कारोबार लोगों के यहाँ पर थे, नंबर वन पे कानपुर के बाद दूसरे नंबर पे अगर किसी का नाम आता था तो हमारे रामपुर का नाम आता था। लेकिन बेहद अफसोस है कि हमने अपने बचपन में रामपुर का नाम सुना था, लेकिन हम अपने बच्चों को एक रामपुर की जी क्योंकि विरासत नहीं दे पाए। आज हम अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट विक्की राज है। क्या आपको लगता है कि रामपुर में जिस तरीके से अभी मैम कह रही थी वो सारी चीज़ों में सच्चाई है, वो सब यहाँ पर होता है, महिलाएँ सुरक्षित नहीं है? देखिए, जो मैम ने कहा वो इनका अलग मत हो सकता है, लेकिन शिक्षा के मामले में
यहाँ के मौजूदा सांसद अली आजम खान साहब ने वो काम कराए हैं जो आने वाला कोई नेता नहीं करा सकता। आप सर यही के रामपुर के जी? हाँ, क्या नाम है सर आपका? जी राजेंद्र अग्रवाल। क्या काम करते हैं आप? मेरा रवि स्वीट्स के नाम से शॉप है। रवि स्वीट्स एकदम ऑपोजिट। हाँ, तो आप क्या का क्या मशहूर है? मेरे यहाँ का तो मेरी शॉप पे आई हूँ। आपका भी चलेंगे, लेकिन इस बीच आप ये बता दीजिए कि आप इस सड़क पे कई साल से होंगे, जी इस सड़क में ट्रैफिक, यहाँ की व्यवस्था कुछ भी बदला है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं बदला, जो ऐसे दिस था वही है। एज इट इज था? जी। आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, इस बार भी आपने देख लिया, यहाँ से सांसद है आजम खान और कई सारे, क्योंकि योगी जी की सरकार है 4.5 साल से, तब कुछ काम हुआ यहाँ पर? नहीं, विकास के नाम पे तो मैं यही कहूँगा भाई साहब वाली बात की आजम खान ने जो किया है वो विकास के नाम पे तो वही उन्होंने ही किया है। हाँ, रामपुर में रोजगार के नाम से कोई चीज़ किसी सरकार ने नहीं दी है, ना आजम खान साहब ने, जबकि मैं बीजेपी से ही हूँ, ना बीजेपी के नाम से। आपका क्या नाम है? मेरा नासिर हुसैन। नासिर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे स्टडी करके लखनऊ से, मैंने स्टडी की भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी से। लखनऊ से क्यों करी, रामपुर में नहीं था स्कूल? दरअसल म्यूजिक स्कूल जो है ना लखनऊ में है, और अगर रामपुर से मैं डिग्री कॉलेज से कहीं पढ़ूंगा तो बेरोजगार रहूंगा, तो म्यूजिक स्कूल लखनऊ में है, तो मैंने लखनऊ से करा। करेंगे तो बेरोजगार रहेंगे, ऐसा क्यों? रामपुर में क्या, पूरी यूपी से कहीं भी कर लेंगे आप। आज भी मैंने अगर लखनऊ से एमपीए किया है उसके बाद भी बेरोजगार हूँ। मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब से कुछ कमा लूँ, क्योंकि कहीं पर जॉब्स ही नहीं है। कहीं जॉब्स नहीं है, खाली है, बिल्कुल बुरा हाल है यूपी में। पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, रामपुर का दौर भी बुरा हाल है। कुछ रामपुर में बदली है स्थितियाँ पिछले 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार आई है? जी, बहुत क्या, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ बदला यहाँ पे। जब से ये आए बहुत सारी जातियाँ हैं यहाँ पे, तो सारी जातियाँ यहाँ पे मिलकर रहती हैं, सबसे बड़ी जातियाँ मिलकर रहती है जी, सबसे बड़ी। धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़ता? जी नहीं, जी नहीं, कभी एक दूसरे पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले जो होते हैं सारे राजनेता होते हैं। बाकी पब्लिक कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। अच्छा, पब्लिक नहीं बुरा चाहती, वो हमेशा मिलकर चलते हैं। अच्छा जी, राजनेता लोग जो है आपस में बढ़ाते हैं पब्लिक को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक हमेशा मिलकर चलना चाहती है लेकिन राजनेता। सारी मशीनें बंद करा दी थी, पिलाई फैक्ट्री आज सारी चालू। आप वहीं काम करते हैं? आज मैं पिलाई फैक्ट्री में काम करता हूँ। आज फैक्ट्री में क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। तो किसने चालू कराई फैक्ट्री? ये फैक्ट्री सब मोदी सरकार में आके चालू हुई है, योगी सरकार में नहीं। हाँ नहीं, जो सब बंद हो गई थी ये सारी पिलाई फैक्ट्री। आज रोजगारी भरपूर मिल गया है, बहुत सारा रोजगार प्राप्त हुआ है, पहले बेरोजगार हुए थे। चलिए, ये यहाँ पर कुछ और लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? मुझे नौमान खान कहते हैं। हाँ, क्या क्या काम करते हैं आप? मैं अभी आपका ठंडा हो रहा है। चलिए, वो तो ठंडा हो ही गया। रामपुर जो है वो हिस्टोरिकल जगह है पूरे देश में। रामपुर रियासत के दौर से रामपुर चला आ रहा है। यहाँ पिछली 9 बार से लगातार आजम खान विधायक हैं, और पिछले 10 साल में रामपुर जो रहा वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप चले जाइए 2 कदम पर मुरादाबाद है, और वहाँ से व्यापार है, लेकिन रामपुर में कुछ नहीं। इसकी 2 वजहें, जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और मौजूदा विधायक भी वही हैं, पिछले 9 बार से वो विधायक हैं, इस बार सांसद भी हैं। उन्होंने इस शहर का इतना उत्पीड़न करा है। अभी भाई ने कहा कपड़ा मिल, आप मैं आजम खान साहब की बात कर रहा हूँ। 5 साल ये और 5 साल पिछले, इन 5 सालों में सिर्फ हिंदू मुसलमान, और उन 5 सालों में तोड़न तोड़, इसकी घर तोड़ दिया, उसका मकान तोड़ दिया, और उसका ही सिला है कि वो आज जेल में है। लोग कहते हैं वो बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, वो रामपुर के जिन मुसलमान भाइयों पे उन्होंने जुल्म करा था, उन मुसलमान भाइयों की वजह से जेल में आजम खान। कहाँ से आए? सहारनपुर से। सहारनपुर से यहाँ रामपुर में इसी दुकान में किसी ने बताया था या फिर? नहीं, वैसे यहाँ रुद्रपुर जा रहे थे, यहीं आते हैं जब भी चाय नाश्ता करने के लिए, यहीं रुकते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण मक्कड़। तो ये आप काम के लिहाज से रामपुर आए? वो ससुराल है हमारे। ससुराल है आपकी? हाँ जी, रुद्रपुर ससुराल। हाँ जी। तो रामपुर में क्या सबसे अच्छा और क्या सबसे खराब लगता है? हम तो कभी ज्यादा अंदर गए नहीं, बाहर से स्टेशन से निकलते हैं और यहाँ से आते हैं और चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और आगे निकल जाते हैं। और आप क्योंकि सहारनपुर से हैं? हाँ जी, हाँ जी। सहारनपुर तो हम होके आए, सहारनपुर में कुछ स्थिति बदली है बीते 4.5 साल? बहुत फर्क पड़ा है, कानून व्यवस्था का बहुत फर्क पड़ा। सबसे बड़ी बात तो कानून व्यवस्था की है। हाँ जी, हाँ जी, ये वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा। हाँ जी, मेन देखो, लोगों को हर आदमी कहते कहते 2 रोटी कम खा लेंगे, वो सब्जी सब बर्दाश्त है, पर कानून व्यवस्था तो है। ये तो है ना, रात को आप कहीं गाड़ी खड़ी कर दो, सुबह जाओगे गाड़ी वहीं मिलेगी। अच्छा, नहीं तो पहले ये था कि मेरी गाड़ी खुद की, हम वहाँ पे बाहर निकले रिमोंडी पे, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, सुबह गाड़ी ढूंढते हम वहाँ गए, पता लगे रात को टायर किसी ने उतार लिए, स्टीरियो उतार लिया, जैसे सब चारों टायर उतार लिए। मेरी गारमेंट्स की शॉप है। गारमेंट्स की शॉप है, क्या नाम है आपका? अभिनव।
क्या आपको लगता है कि सहारनपुर में बीते चार साढ़े चार साल में कुछ बदला है? आपके फादर ने बता दिया लॉ एंड ऑर्डर, उसके अलावा रोड्स वगैरह थोड़ी बेटर होने की कोशिश चल रही है? कोशिश चल रही है, चल और रही जो गवर्नमेंट का काम है, कोरोना के बाद पिक हुआ है या नहीं? पिक हुआ है, हुआ है, अब पहले से फार बेटर है, फार बेटर हो गया है। हाँ जी, तो अब वापस प्री कोरोना लेवल पर आ गए हैं। ओमिक्रॉन अब देखते हैं कैसा रहता है। चलिए, ये भी आपने अच्छी बात।